आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई को, और पावर बीआई में इम्तियाज जी का एक क्वेश्चन है, हम उसी पे टिकर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके पास इस तरह के नेम है और इस तरह से डे में यस नो लिखा हुआ। उन्हें नेम वाइज और टोटल एक डे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, राइट सर? जी सर। तो चलिए कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो पावर बीआई में हमें इसका डेटा ऐड करना होगा। तो मैं डाउनलोड में आते हैं और यहां पे डीटी को ऐड कर लेते हैं। अब क्या है कि अलग अलग क्वेश्चंस में डेटा है, बात समझ रहे हैं ना सर? एक अलग क्वेश्चंस में डेटा है, तो इसको मुझे ट्रांस, क्योंकि अगर हम एक मिनट, डेटा है जी, अगर अगर हम इसको ट्रांसपोज में, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज में क्लिक करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज में हम जाते हैं यहां पे, तो और यहां सबसे पहले पहले कॉलम जो है, इस कॉलम को, पहले रो को हेडिंग बनाना होगा। तो यूज फर्स्ट रो हेडर्स पे क्लिक कर दिया, हेडर हो। बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें इसको। तो यहां आपको एक वैल्यू होता है अनपिवट डेटा का, ट्रांसफॉर्म में अनपिवट कॉलम, एक उसके सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद अनपिवट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, हुआ अनपिवट कॉलम पे। प्रॉब्लम ये है कि नेम वाइज नहीं आया ना। अनपिवट कॉलम नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीट, अच्छा आपकी यहाँ पे वैल्यू रिपीट होती है या फिर सिंगल है? नहीं सर, वो नेम जो है ना सर, नेम 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 में सर, मतलब 38 जिला है, जब 20 जिला वो रिपीट होती है। कभी कोई जिला आएगा, कभी कोई जिला आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है सर। जैसे ओके, तो रिपीट है ना, तो फिर इसके लिए आपको, मैंने कि फुली ऑटोमेट तो नहीं होगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, फाइल में आता हूँ, क्लोज एंड अप्लाई। उसके बाद आपको यहां एक कॉलन, किसके कई तरीके हैं, एक नया कॉलन ऐड करना पड़ेगा टोटल का। इसमें कंडीशन देना होगा इफ का, कि इफ अगर ए, सॉरी माफ कीजिएगा, गलत हो गया। If A1 is equal to yes, यहां पे आए 1। अगेन इफ यहां day 2, ऐसे कितने हैं, ऐसे कैसे, काफी सारे हैं या कम ही होते हैं? क्या सर, काफी सारे होते हैं या कम होते हैं? क्या सर डेटा कॉलन कॉलन, नहीं, कॉलम से सर वही 5 6 कॉलम होते हैं। तब तो कर सकते हैं इसको। तो C3 डुप्लीकेट नहीं होता ना सर, तब इसको अनपिवट कर देते हैं। वो भी तरीका मैं बता देता हूं अभी आप। देन इफ day 4, एक मिनट, यहां पे 1 1 देना चाहिए, देते जाना चाहिए हमें। डे अगेन इफ डे 5 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 0।
यहां से देखिए, हमने यहां लिख लगा इफ, अगर डे वन यस है तो वन, डे टू यस है तो वन, अगेन डे वन, डे थ्री यस है तो वन, डे फोर यस है तो वन, एंड डे फाइव यस है तो वन, अदरवाइज जीरो। एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ ओ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आएगी दो तो इसको मिनट काउंट करवाना है सर। ए, तो इसमें काउंट आपको करवाना है। सर इसे पिवट में, इस एक्सेल में पिवट लगा के नहीं कर सकते? नहीं, बेसिकली इन सबों का सम, मतलब कि जितने भी डे वन डे टू डे थ्री में है सबका यस चाहिए, और ये एक्सेल पे नहीं चाहते हैं, पावर बी आई पे चाहते हैं, क्योंकि डेटा हम पावर बी में लिया है ऐड होते इससे। रहता है आगे की तरफ। तो ओके यहाँ हम काउंट एक्स करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि काउंट एक्स वगैरह इस पे वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको सबका सम सम चाहिए होगा तो फिर ये यहाँ इस सी पे सकता है, क्योंकि अगर मैं काउंट ए भी लगाता हूं तो पूरा काउंट करेगा, यस नो यस नो दोनों काउंट करेगा। काउंट इफ जो है, काउंट एक्स जो होता है वो उस पर्टिकुलर एक कॉलम पे वर्क करता है, कई सारे कॉलम पे वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे न्यू टेबल, ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ न्यू टेबल पे मैं आता हूँ। न्यू कॉलम आप बोल रहे थे समिक्स के बारे में बता रहे थे, समिक्स लगेगा। सम इफ नहीं, काउंट इफ लगेगा, वो मैं वन लगा रहा था तो सम इफ लगता, सर लेकिन इफ प्लस काउंट ए नहीं लग सकता इस पे? क्या इफ प्लस काउंट ए की मतलब इन केस इफ सेल वैल्यू इज नो देन इट्स गोना बी जीरो, हाउएवर इफ इट्स अ इफ काउंट एक बार में इज एक ही वैल्यू शो करेगा ना। तरीके तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा तरीका हो जाए सिंपल हो, इत्यादि समझ जाए, नहीं समझे। यहाँ पे देखिए मैं न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम ऑल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वाई डी टी, यहाँ पे ऑल, और यहाँ से सीट वन को सेलेक्ट कर लिया, सीट वन का नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास पूरा यहाँ पे आ गया, नेम वाइज डेटा आ गया क्या सर। जी अब मैं यहाँ पे ऐड कॉलम करूंगा, और इसमें मैं करूंगा ए, अब मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा काउंट ए एक्स, और इसमें लगाऊंगा फॉर्मूला फिल्टर। फिल्टर में हम डेटा देंगे डीटी सीट वन है, सॉरी माफ कीजिएगा, सीट वन, और फिल्टर में हमने बोल दिया कि डे सीट वन डे वन इज इक्वल टू यस, और काउंट किसको करना है, सॉरी काउंट किसको करना है, तो डे वन को काउंट करना है। इसी फॉर्मूला को हम कॉपी भी कर लेंगे, डे वन, यहाँ पे वन दे देते हैं, तो यस था ना, वाई नहीं था। ठीक है सर, जी फिर यहाँ पे अगेन ऐड कॉलम, ये हमारा इसी को हम फॉर्म, जो हमारा फॉर्मूला था पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लिया था, ये हो जाएगा डे टू, यहाँ भी हो जाएगा आपका डे टू, यहाँ पे यस कर देता हूँ, यहाँ डे टू। ठीक है, तो सब में एक ही जैसा आ रहा है, क्योंकि वो एक ही जैसा आ रहा है, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सही आ रहा है। यहाँ पे डे थ्री, डे थ्री, और यहां भी डे थ्री,
सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, नेम वाइज नहीं आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने नेम वाइज तो लगाया ही नहीं ना इसमें। ये टोटल दे दे रहा है सर, टोटल यस दे रहा है पूरे उसको, प्लस सीट 1 नेम इक्वल टू YTD नेम। को ब्राइगेट में लेना पड़ेगा, फिल्टर एंड प्लस ही बताया था ना इम्तियाज जी, और जी क्या सर, एंड था ना, माफ कीजिए एंड था ना, तो एंड आई थिंक मल्टीप्लाई हो, याद है या भूल गए, एंड मल्टीप्लाई होता है। हाँ आप सही, आया एंड मल्टीप्लाई होता है, समझ में आया सर, नहीं सर, समझ में आया। क्या किए सर? मैं क्या बताता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन्टेक्स्ट में फिल्टर लगाया, तो फिल्टर में दो कंडीशन चाहिए ना, कि नेम पूजा होना चाहिए और वो और यस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हमने काउंट एक्स में फिल्टर लगाया, फिल्टर को बोला सीट 1 से जाए, डे 2 से यस ले ले, और यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई दिया ये एंड का सिंबल होता है। ये किसी सिंपल सर एंड का, जी हाँ जी हाँ, एंड, और एंड यहाँ पे हमने बोला कि नेम जो है इसका, सीट का नेम और इसका नेम दोनों बराबर होना चाहिए, जो बराबर होगा वो डेटा काउंटेक्स को मिलेगा, और काउंटेक्स उसमें से डे 3 को, डे 2 को काउंट कर लेगा, ओके। समझ गया। समझ आया कि नहीं सर, तो इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं। अब मैं बताता हूं कि अनपिवट में क्या होता है। अगर मान लीजिए यूनिक आपका होता तो क्या होता, कैसे करते हैं? जो नंबर निकल के आया है सर, ये पूजा डे 1 में, मतलब कि आपका जो डेटा है ना, ये वाली डेटा है, इसमें इसमें इसने क्या किया, पूजा को फिल्टर किया है, ठीक है ना, और फिर डे 1 में गया है, इसने यस को फिल्टर किया है, नो को हटा दिया, यस को फिल्टर किया, और फिर ये जो काउंट है, ये काउंट आपको यहाँ इस वाले में दिख रहा है। अच्छा सर, जो हम यस का परसेंटेज निकालेंगे, हाँ यस का परसेंटेज दिखा लेंगे। जो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 आया सर, इन इन सब का हमको ऐड भी चाहिए होगा सर लास्ट में। हाँ टोटल निकल जाएगा, हाँ टोटल ऐड कर देंगे, डे 1 डे 2 डे 3 प्लस कर देंगे। ठीक है उसका सर, जब जब हम उसको ये परसेंटेज निकालेंगे ये टोटल नाम का, तो वो एक्चुअल किस पे देगा परसेंटेज, सही है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा उसका? परसेंटेज की तो अलग करना पड़ेगा आपको, आप क्या परसेंटेज करना चाहते हैं? जो नंबर निकल गया है ना डे 1 से, डे 1 डे टू एक डे मिनट, तो थ्री फिर डे फोर डे परसेंटेज फाइव इस पे का, नहीं करना होगा ना, परसेंटेज जैसे कि आपने यहाँ पे दे देता हूँ, और अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई चार्ज ए बनाया, DT से चार्ज बनाया, तो यहाँ पे जो आपका डे 1 आया आया ना, इससे आपका टोटल, आप क्या चाहते हैं कि यस एंड नो का टोटल, मान लीजिए 10 10 है, इसमें से 8 यस है और 2 नो है, तो आप परसेंटेज आपका 80% होना चाहिए, बोल रहे ना। तो ये हमको डे टोटल पे चाहिए सर, ये डे 1 डे 2 डे 3 पर नहीं चाहिए हमको, हाँ हमको हाँ टोटल जो डे तो जो नंबर टोटल निकल पे के ही आया बोल ना, रहे ना आप। हाँ जो नंबर निकल के आया ना सर आपका डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, एक बार निकालिए सर उसको, पहले डे 4 डे 5 कीजिए ना, उसका समझ में पूरा आएगा। जैसे कि एक मिनट,
डिफॉल्ट निकाल ही ना, मैं डे 3 डिफॉल्ट निकाल ही ना, ठीक है उसे पूरा स्पष्ट हो जाएगा सर। यहाँ मैं एक बार टोटल ऐड करता हूँ टोटल, और यहाँ पे मैं करता हूँ डे वन प्लस डे टू प्लस डे थ्री, टोटल आया। इसी टोटल का परसेंटेज निकालूंगा सर मैं। इस टोटल क्या परसेंटेज चाहते हैं आप? इस टोटल ये पसंद आते हैं जो हमारे पास जितने भी नेम वाइज नेम है ना सर, उस नेम वाइज कितना कितना वैरी करता है पाई में। अच्छा, जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेटा पे आते हैं, आपका आप ये करना चाहते हैं कि यहाँ जो टोटल माने कि पूजा का जो टोटल आया है या दोनों मिला के जो पूरा यहाँ जो टोटल आया है डे वन डे टू थ्री का तीनों कॉलम का टोटल जो ग्राफ बनाएंगे। देखिए आपको समझ जाइए कि ये जो टेबल बना है, ये जो टेबल बना है इसमें नो का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ यस का जिक्र है। हाँ, तो, हाँ, 58 जो आया है आपको तीनों दिन का यस आया है, और आपको यहाँ पे तीनों दिन का नो भी चाहिए तभी तो निकलेगा ना सर वो। ओके, तीनों दिन का आपको नो भी चाहिए होगा। अच्छा, मान ली हम यस भी ले लेंगे सर, मान लिया तो मेरा जो टोटल डिनोमिनेटर है उसी में से ना मान ली परसेंटेज निकलेगा। आपको चाहिए क्या टोटल परसेंटेज भी चाहिए आपको, ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ, परसेंटेज चाहिए जो एक्चुअल डेटा हम लोग टेबल में लिए है ना ऑल में, उसी बेस पर नहीं नंबर निकला है टोटल सर हमारा। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बताता हूँ इसमें क्या करना पड़ेगा। एक कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे टोटल छह कॉलम पे यस और नो दोनों का अलग अलग कॉलम बनाना पड़ जाएगा सर, या फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम सम के अंदर में जानते हैं, सम के अंदर में इफ इफ में नहीं, यहाँ पे रेंज तो कॉलम वाइज ही चलता है। यहाँ पे आपको काउंट अगर आप देते भी है, काउंट ए में आपको क्या करना पड़ेगा, डे वन काउंट एक्स करना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पे काउंट एक्स यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा सर। काउंट एक्स फिल्टर, फिल्टर में आपको लेना पड़ेगा सीट, और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको नेम, सीट नेम इक्वल टू वाई टी टी नेम। यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ये आपका एक कॉलम का निकला, सुनिए बताते ये आपका एक कॉलम का निकला है टोटल, राइट? तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और फिर इसमें आपको यहाँ पे डे टू का करना पड़ेगा, इसी पे प्लस आपको डे थ्री करना पड़ेगा। तो ये आपका 120 टोटल है, 120 में से आपका यहां पे 58 आया पूजा का, हाँ समझे? अब इसमें आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर आप न्यू कॉलम ऐड कीजिए और यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि परसेंटेज, और यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय टोटल आया प्लेसेस की जगह पे एक मिनट, जनरल फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में परसेंटेज
यही चाहिए था ना आपको सर? जी सर यही चाहिए था मुझे। भैया जी सर थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो 120 आया सर, ये टोटल यस नो जितना था वो सब जोड़ के आया ना सर, टोटल इंडिकेटर? हाँ, 120 जो है टोटल पूजा का कॉलम में कितना है वो है, यस नो दोनों जोड़ा हुआ है। यहाँ पे तीनों जोड़ा हुआ है, डे वन डे टू डे थ्री तीनों का जोड़ है सर, तीनों का यस का जोड़ है सर, टोटल यस एंड नो दोनों का। यस का जोड़ ही रहा 58 तो सर हम लोग जो तो यस निकाले थे ना सर, डे वन डे टू डे थ्री। हाँ, डे वन डे टू डे थ्री का यस का जोर है, और ए आपका डे वन डे वन डे थ्री यस एंड नो दोनों का जोर है। एग्जैक्टली और उसका फिर हम लोग निकाले परसेंटेज। जी जी हाँ ठीक, थैंक यू सर, मिलते हैं कल। ठीक है सर।